हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ एक स्नैक रेसिपी शेयर करूंगी जिसे मैंने पोहा और पालक से बनाया है। आप देख सकते हैं ये बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है, जो आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। आप ईजिली इसको लेस इन्ग्रीडियंट में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने इसके लिए ये पोहा लिया है, ये 1 कप पोहा है। आप चाहें तो इसकी क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको पहले वॉश करना है, तो मैं ये वाटर डाल ली हूँ। तरीके से को वॉश कर लेंगे अच्छे से चला के। देखिए, और मैंने यहाँ पे इसको वॉश कर लिया है, और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये फूल जाएगा। 5 मिनट के बाद में आप देखिए इसको, ये अच्छे से फूल चुका है। और अभी इसको हम अच्छे से चला लेंगे जिससे कि ये नीचे वाला पोहा भी ऊपर आ जाएगा। और ये देखिए, इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो निकाल देंगे हम। और इसके बाद में 10 मिनट के लिए इसे दोबारा छोड़ देंगे जिससे कि ये सेट हो जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको मैश कर लिया है। अच्छे से हाथों से आपको मैश करना है, क्योंकि जितना अच्छे से मैश होगा उतनी ही अच्छी आपकी स्नैक बनेगी। ये यहाँ पे मैं इसमें अनियन डाल दूँगी, चॉप्ड अनियन है। ये पटेटो है जिसको मैंने मैश कर लिया है, ये भी डाल दूँगी। ये जिंजर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये ग्रीन चिली जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये कोरिएंडर लीव्स हैं को भी डाल दूँगी। ये पालक है जिसको मैंने वॉश करके चॉप कर लिया था, इसको भी डाल देंगे। ये स्पाइसेस में ये आमचूर पाउडर है, ये रेड चिली पाउडर, ये गरम मसाला, ये ब्लैक सॉल्ट, ये थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, ये कोरिएंडर पाउडर एंड ये वाइट सॉल्ट। एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा जीरा लिया मैंने। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने इसको मिक्स करके एक डो के फॉर्म में बना लिया है। और अभी हमें जितनी साइज़ में बनाना है उतना ही मिक्सचर हाथ में ले लेंगे। देखिए जो भी साइज़ और जो भी शेप में आपको रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप मिक्सचर को लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको राउंड शेप में बनाया है, मैं लॉन्ग शेप में भी बनाऊँगी, आपके ऊपर है आप जिस शेप में भी इसको बनाना चाहें। और मैं यहाँ पर इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस तरीके से डाल देंगे। और इसको पूरा पलट पलट के सेंक लेंगे। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से सेंकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और इसको मैं अभी एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। एंड लीजिए, आपके गर्मा गर्म हेल्दी स्नैक बन के तैयार है। आप इसको विद इन 5 to 10 मिनट में बना सकते हैं। और आप इसको चाय या टमाटो केचप किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।